भाजपा के विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के टिकटों का ऐलान करने के बाद से कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और कई नाराज हैं। इसी कड़ी में शाहबाद में कृष्ण बेदी के टिकट कटने से नाराज भाजपा के 200 पदाधिकारियों ने इस्तीफा लिखा और पार्टी को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। कार्यकर्ता यहां से सुभाष कलसाना का टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आज भाजपा के विभिन्न पदाधिकारियों ने हर मिलापी कृष्ण मंदिर धर्मशाला में बैठक की और मौजूदा हालात और अगले फैसले पर चर्चा की। साथ ही दावा किया कि 200 पदाधिकारियों के त्याग पत्र आ चुके हैं। कृष्ण बेदी समर्थक और हलका मंडल अध्यक्षों ने कहा कि पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के टिकट काटने के चलते कार्यकर्ताओं और समर्थकों में रोष है। अगर पार्टी 2 दिनों में टिकट में बदलाव नहीं करती है तो हलके के तमाम पदाधिकारी अपने पदों से त्याग पत्र दे देंगे। जो कृष्ण बेदी के पीछे अपने नेता को जिंदा रखने के लिए तन मन धन से खड़े हैं, आज भी ताकत लगा रहे हैं। और इस आज जो ये मीटिंग आई, इसमें हमारे मंडल अध्यक्ष सारे तीनों मौजूद थे और मीटिंग में सभी कार्यकर्ताओं को एक ही बात कही गई है कि आप 2 दिन तक शांति रखें। हमारे भाई सरबजीत कलसाणी जो मंडल अध्यक्ष हैं, इनसे 5 मैसेज आ रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया में मैसेज आ रहे हैं कि पार्टी 7 टिकटों पर दोबारा विचार कर रही है, उसमें शाहबाद की टिकट भी है। अगर ऐसा होता है तो हमें खुशी होगी, क्योंकि बेदी जी ने इस हल्के में बहुत मेहनत की है और 14 से लेकर 19 तक उन्होंने इस हल्के की कायाकल्प करने का काम किया, विकास की गंगा बहाई थी। आज हमें उनकी जरूरत है, शाहबाद को जरूरत है, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये टिकट को बदलाया जा सके। उसके साथ साथ आपने ये पूछा था भाई इस्तीफे कितने आए हैं, इस्तीफे तो सारे देने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि ये पौधे बेदी जी के ही लगाए हुए हैं। इनके लिए किसी ने, ये इनमें से 70% तो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी से डायरेक्ट नहीं जुड़े, ये बेदी जी से डायरेक्ट जुड़े हैं। वो मुंह पे बोलते हैं आप हमें आजाद कर दो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं भी जो ये फुलवाड़ी बेदी जी की तैयार की हुई है उस फुलवाड़ी को हम जिंदा रखें और भारतीय जनता पार्टी को शाहबाद में जिंदा रखें। कुछ षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र किया है, उनका अंजाम तो वो भुगतेंगे, वो जहाँ पे चाहे कुरुक्षेत्र के हैं चाहे बेदी जी की लोकप्रियता इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। ये चाहते थे कि बीजेपी को अपनी ग्रिप के नीचे रखे, अपने पैरों के नीचे रखे। बेदी जी ने 2007 से आस्ता आस्ता करके इनकी पैरों के नीचे से जो बीजेपी फंसी हुई थी उसको निकाल के आज हजारों की संख्या में बीजेपी पहुंचाने का काम किया। उनका सबसे बड़ा मलाल था कि किस प्रकार से कृष्ण बेदी को शाहबाद से खत्म किया जाए, और उसमें षड्यंत्र में कुरुक्षेत्र के लोग भी हैं, हमारे को पता है, एक बार गांव में घुस के तो देखे हैं कुरुक्षेत्र के, जिनके मुखोटा किसी और संगठन का लगा हुआ है उनके पीछे एक सिंगल आदमी नहीं है। मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, गांव में घुस के तो देखे, पता लगे कैसे वोट मांगे जाते हैं, कैसे लोगों के पैर पकड़े जाते हैं, कैसे लोगों की मदद की जाती है। केवल कुरुक्षेत्र में बैठ के बेदी का कत्ल करवाने का काम किया, इसमें जो षड्यंत्रकारी है वो भी अलर्ट रहे। तीनों मंडल अध्यक्षों की अध्यक्षता में हमारी बीबी जी करतार कौर जी हैं, ये हमारी स्टेट काउंसिल की मेंबर है, उनकी अध्यक्षता में इक्की कमेटी मेंबर कमेटी बनेगी और उसी कमेटी ही आगे अगला 2 दिन बाद स्टेप लेगी। तो हम से तैयार है, हमने तो बेदी जी को ये भी बोल दिया, गोल्डी जी आप निर्दलीय लड़ लो, लेकिन वो पार्टी को अपनी माँ मानते हैं और पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी शाहबाद से भाजपा की टिकट के दावेदार थे। भाजपा ने पहली लिस्ट में उनके बजाय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुभाष कलसाना को कैंडिडेट बनाया है। इससे कार्यकर्ताओं में रोष है और वह अपने त्याग पत्र लिख रहे हैं और पार्टी को अल्टीमेटम दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।